आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ फटाफट खबरों के साथ। फोन पे में जॉब कर करोड़पति बने दो युवक, कमाने का तरीका जानकर कंपनी भी हैरान। जयपुर से खास खबर, राजस्थान के दो युवकों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर फोन पे कंपनी में नौकरी हासिल की। इसके बाद वे ग्राहकों का पैसा फर्जी तरीके से अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेते थे। ऐसा उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 900 से अधिक बार किया। फोन पे कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में साइबर थाना पुलिस जयपुर ने 24 साल के युवक मनराज मीणा लालसोट श्रीरामपुरा और 23 साल के युवक लेखराज सेहरा निवासी मेहंदीपुर बालाजी सिकराय के नाहरखुरा को गिरफ्तार किया है। दोनों ने महज 4 माह के अंदर करोड़ों रुपए का घपला कर दिया था और दोनों ने मिलकर फोन पे जैसी बड़ी कंपनी को 900 से ज्यादा बार ठगा है। सीएम योगी करने जा रहे हैं बड़ा खेला। खबर है कि पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है और उनकी जगह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है। इस धुएं को हवा देने का काम लगातार हो रही बैठकें हैं। अब खबर है कि सीएम योगी जल्द ही पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा खेला योगी की तरफ से खेला जा सकता है। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की मुलाकात नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले या उसके बाद होगी। यह बैठक 27 जुलाई को आयोजित होगी। आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। वित्त मंत्री पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण। हर साल बजट से पहले संसद में सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 लोकसभा में दोपहर 1 बजे और राज्यसभा में 2 बजे पेश किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन आर्थिक सर्वे तैयार करने वाली अपनी टीम सहित संबोधित करेंगे। स्विगी अमेजन की साझेदारी, क्या होगा कमाल। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को अमेजन इंडिया से बड़ा ऑफर मिला है। सूत्रों के अनुसार अमेजन कंपनी के साथ हाथ मिलाकर अपना क्विक कॉमर्स बिजनेस बढ़ाना चाहती है। स्विगी ने 10,414 करोड़ के लिए आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर जमा कराया है। अमेजन में आईपीओ में हिस्सेदारी या इंस्टामार्ट में हिस्सा खरीद सकती है। हालांकि स्विगी सिर्फ क्विक कॉमर्स बिजनेस बेचना चाहती है। मुसलमान ढाबे पर खाना नहीं जा रहा, असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से की ये मांग। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी नियमों पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, इस आदेश के बाद मुसलमानों के ढाबों पर कोई खाना खाने नहीं जा रहा है, ये भेदभाव की नीति है। उन्होंने आगे कहा कि ये विकसित भारत नहीं बल्कि हिटलर शाही है। हमने मुद्दे को उठाया है और भारत सरकार को इसमें जल्द दखल देनी चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर इस आदेश की आलोचना की है। मेक इन इंडिया, एयरबस भारत में बनाने वाला है 500 हेलीकॉप्टर। एयरबस हेलीकॉप्टर्स भारत में H-125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL के साथ साझेदारी कर ली है। कंपनी ने 8 स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया है जहां पर यह हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। एयरबस के अधिकारी ओलिवियर माइकलॉन ने बताया कि साल के अंत तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने की उम्मीद है। एयरबस टाटा गठबंधन शुरू में 1 साल में 10 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।